हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मुरली से स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रा बनाना की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनेगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम उसको बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो रा बनाना की सब्जी बनाने के लिए आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चार बनाना ली हूँ और पहले इसको मैं छील देती हूँ। तो छीलने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी कि बनाना को कैसे छीला जाता है और बहुत जल्दी जो रा बनाना होता है जल्दी छिल जाता है। तो इसको पहले जो है ये वाला निशान नहीं है, जो ये वाला निशान दिया है ऊंचा वाला, इसी पर हम इसी लाइन पर हम ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स इतना आराम से छिल जाता है बनाना ना कि क्या बताएं। तो आप देख सकते हो इसी तरह मैं पहले सारे लाइन पर इसी तरह निशान लगा दूंगी और इसी तरह लगा करके मैं छील लूंगी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सारा निशान लगा दिया। मैंने ऊपर के हिस्से को कट कर ली हूँ और फ्रेंड्स आराम से ये जो है ना, मैं जो कट की हूँ इसी तरह आराम से इसी तरह छील दूंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी तरह सारा मैं छिलका जो ऊपर से निकाल दूंगी। इसी तरह मैं सारा छिलका इसी तरह आराम से निकल जाता है। तो मैं इसको छीलती हूँ इसी तरह, सारा बनाना छील करके मैं कट कर लूंगी। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना आराम से छिल गया है। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इसी तरह बनाना, मैं सारे बनाने को छिल करके इसी तरह मैं कट कर लूँगी। तो इसी तरह मोटा मोटा मैं कट करूँगी, इसका मैं सब्जी बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह मैं सारे बनाने को छिल लेती हूँ। तो इसी तरह निशान लगा करके मैं सारे बनाने को छील लूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ मैंने सारे बनाने को छील लिया है और कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो हम सब्जी बनाने की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं रा बनाना को जो है फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। इसमें से मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून। और फ्रेंड्स मैं 1 टेबल स्पून ये चना दाल का जो बेसन है मैं इसमें ऐड करती हूँ। और इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ। और फ्रेंड्स ये काली मिर्च है, इसको मैं इसमें ऐड करती हूँ, 1/2 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून दही है फ्रेंड्स। और इसको हम सारे चीज़ को मिक्स कर देंगे पहले अच्छे से। तो इसको हम पहले मिक्स कर देते हैं अच्छे से मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा हम नमक भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो मैंने बनाने में सारे मसाले को जो मिक्स कर लिया जो डालना था, अब इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पैन रख दिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ और इसको चारों तरफ सेपरेट कर देती हूँ पहले। और इसी पर मैं लो मीडियम फ्लेम पर मैं बनाना को फ्राई कर लेते हैं। और इसी पर हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सारे बनाने को फैला दिया है
अब अच्छे तरह से नीचे से सीख जाए तो इसको मैं पलट दूंगी। तब तक आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारे बनाने को हम पलट लेते हैं, एक एक करके हम सारे बनाने को पलट लेंगे। इसी तरह हम सारे बनाने को पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स सारे बनाने को मैं पलट दिया, आप देख सकते हो। अब अच्छे से लो मीडियम आंच पर अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं फ्रेंड्स। और इसी सब्जी इस तरह बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज सब्जी बनेगी। तो हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसको हम इस साइड में पलट लेते हैं इस चूल्हे पर, और कढ़ाई को इस चूल्हे पर रख के हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। तो ऑयल मैंने ऐड कर दिया फ्रेंड्स। इसी में मैं ये जीरा ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ जीरा चटकने लगा है, इसी के दौरान मैं इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देती हूँ। और हींग से स्वाद फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं 2 कट के 3 प्याज छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ फ्रेंड्स। और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं फ्रेंड्स। और तब तक आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दूसरे चूल्हे पर मैं यहाँ रखी हूँ बनाना जो है, और ये सीख गया है अच्छे से। अब इसको गैस के फ्लेम को बंद करती हूँ और दूसरी तरफ फ्रेंड्स ये मैं इसकी ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट है मसाले उसमें ऐड करूँगी। तो पहले प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी में मैं ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको ऐड करके इसमें हम उसको भी फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए फ्रेंड्स। प्याज अच्छे से भून लेते हैं पहले इसको, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्याज है ना बहुत अच्छे से गल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो नमक को आप लोग ज़रूर प्याज में अगर ऐड करके आप लोग भूनिएगा तो प्याज का पता नहीं चलेगा, प्याज अच्छे से गल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी में मैं एक टमाटर है जिसको मैं ग्रेवी बना ली हूँ, इसको पीस ली हूँ ग्रेटर से, ग्रेट पीस ली हूँ इसको मिक्सर में, और अच्छे से इसका पेस्ट बना ली हूँ। और इसको भी हम भून लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के दौरान फ्रेंड्स इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं मसाले को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, क्योंकि साइड साइड से जो ऑयल है रिलीज हो रहा है फ्रेंड्स। इसी के दौरान हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स ये दही है, और इससे इसका स्वाद बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी चलाने से जो दही है ना नहीं फटती है। और इसको हम अच्छे से चला करके भून लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मसाला जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, आप जैसा चाहें वैसा ग्रेवी बनाइएगा। तो हम इसमें पानी, देखिए पानी ऐड कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स इसी में हम केले के जो फ्राई किया है ना उसको इसमें ऐड कर देते हैं। इसी में सारे केले को हम ऐड कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो केले को मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए हम पका देंगे। फ्रेंड्स इसको ढक करके 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स रा बनाना की जो सब्जी है उसको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे जो धनिया है, धनिया की पत्ती है, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स 1-2 मिनट और इसको पका लेते हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनी है आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसको हम थोड़ा सा ढक करके 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है और मैं अपने सब्जी को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स सब्जी बहुत अच्छी बनी है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है इसकी। तो हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं फ्रेंड्स और सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स सर्व करके हम दिखा रहे हैं आपको रा बनाना की जो सब्जी है बहुत अच्छी बनी है। एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर खाएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी रा बनाना की सब्जी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा रा बनाना की सब्जी बनके तैयार हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाकर आप लोग खाइएगा। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगली रेसिपी के साथ आएंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।